सो so गाइस हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाई इज इट लॉजिस्टिक रेग्रेशन एंड नॉट लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और क्वेश्चन का मतलब बहुत सिंपल है कि ऑल्दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है तो उसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों बोला जाता है क्लासिफिकेशन क्यों नहीं बोला जाता दिस इज द क्वेश्चन लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन सो अगर कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों भाई इसको लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन क्यों नहीं बोला जाता तो इसका जवाब बहुत यह है कि खुद में लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक इंडिपेंडेंट एज सच है नहीं बहुत क्लोजली ये रिग्रेशन जैसा ही काम करता है इट इज अ अनरलाइज्ड लीनियर मॉडल जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन द ओनली डिफरेंस इज कि आप यहाँ पर आउटपुट में सिग्मोइड uh, फंक्शन को यूज करके

लो इस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स एक्स वाई और इस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस वाई प्लस सी जीरो करना है कि आपने सबसे पहले आ, ये एक्स और ए को मल्टीप्लाई करना है प्लस ये वाई और इस बी को मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये कॉफिशियंट ऐड कर देना है जो भी आ रहा है लेट्स कॉल इट जेड इसको आप सिग्मोइड फंक्शन में भेज दोगे और जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है लेट से आ रही है तो मान लो आपने का थ्रेसोल्ड रख दिया तो ये वन हो जाएगा क्योंकि से ऊपर है अगर उससे नीचे होता तो आप जीरो बोल देते सो so बेसिकली आप कर कुछ नहीं रहे हो यहाँ भी आप ये लाइन को ही फाइंड कर रहे हो विच इज वॉट यू डू इन लीनियर रिग्रेशन तो है ये जनरलाइज लीनियर मॉडल बस इसके ऊपर आपने सिग्मोइड लगा दिया और एक थ्रेशोल्डिंग फंक्शन बना दिया एंड दैट्स इट अब रिग्रेशन इसलिए क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो एक प्रोबेबिलिटी है कंटिन्यूस वैल्यू है जो बता रहा है कि पॉइंट फाइव सिक्स प्रोबेबिलिटी है वन होने का और पॉइंट फोर फोर प्रोबेबिलिटी है जीरो होने का तो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस वैल्यू यू कॉल इट रिग्रेशन ठीक है और कोई रीजन नहीं है बहुत ही सिंपल सी चीज है ये किसी ने भी अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा होगा तो उसको ये आंसर आना चाहिए ठीक है सो आई होप आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया